हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम आयुष, आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल डिजिटेटेड गेमिंग। तो आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा तुम लोग कैसे बना सकते हो एक एंडरमैन एक्सपी फार्म, वो भी माइनक्राफ्ट के एडिशन में। ये तो सभी लोग जानते हैं कि 1.19 आने के बाद हम लोग को एक्सपी बहुत ही दिक्कतों से मिलती, पर इस फार्म को बनाने के बाद तुम लोगों को एक्सपी बहुत ही आसानी से मिलेगी और ये फार्म कंटिन्यूस वर्क करता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती इसमें बीच में की रुक जाए, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो पर और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। आपको एंड में आके कोई भी एक मतलब जो एंडर में एंडर ड्रैगन वाला टापू होता है वहाँ पे आ जाना है, उसके एंड में आ जाना, ठीक है। तो उसके बाद तुम लोगों को एक लिप खड़े होकर अपनी कोऑर्डिनेट्स देखनी, जिस तरफ कोऑर्डिनेट्स बढ़ रही हो, ठीक है। तो देखो मेरी वाली पोजीशन एक्स वाली देखो 1.19 है, तो मुझे इसे 100 ब्लॉक्स तक लेके जाना आगे, तो ये 219 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको 219 तक लेके आ चुका हूँ, देखो, ठीक है। तो 100 ब्लॉक आगे तक बिल्ड करना है, ठीक है। लीव्स लेके आना जरूर, लीव्स के बिना मत करना, ठीक है। तो फिर इसको 2 ब्लॉक और एक्सटेंड करना, फिर इधर से 2 ब्लॉक एक्सटेंड कर दो। अरे यार ये, हाँ तो 2 ब्लॉक इधर से एक्सटेंड कर दो, सेम उस साइड कर देना। तो अब तुम लोगों को 2 चेस्ट चाहिए, एक चेस्ट इधर एकदम बीच में प्लेस कर देना, एक उसके बगल में, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मेन ब्लॉक मत प्लेस करना, जैसे लीव बस प्लेस करना, और भी कोई ब्लॉक मत प्लेस करना ताकि एंडरमैन वहाँ पे स्पॉन ना हो जाए, ठीक है। तो तुम लोगों को अब यहाँ से खड़े होके यहाँ पे यार हॉपर कनेक्ट कर देने, चेस्ट से 3x3 के हॉपर कनेक्ट कर देने, देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ। और ये जरूर देख लेना कि हॉपर जो है कनेक्ट हों एक दूसरे से, ठीक है। तो यार कुछ दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने नाइट विजन को पोजीशन ले लिया, और तुम लोग देखो नीचे से ये पूरे हॉपर जो है एक दूसरे से कनेक्ट है, तो कुछ ऐसा लगेगा देखने में। फिर तुम लोगों को एक कोई भी मेन ब्लॉक ले लेना, स्लैब लेना, पहले तो भूल गया है, ठीक है, स्लैब ले लेना। फिर यहाँ पे हॉपर्स के ऊपर एक एक करके सबके सारे हॉपर्स के ऊपर लगा देना, ठीक है। फिर उसके बाद तुम लोगों को अब यहाँ पे कोई मेन ब्लॉक जैसे कवर स्टोन भी ले सकते हो तुम लोग को, ठीक है, और कोई भी ब्लॉक ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद तुम लोगों को यहाँ पे आके ऐसे इसके मतलब चारों तरफ बिल्ड कर देना, जैसे मैं बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसा कर लेने के बाद तुम लोगों को चेस्ट के आगे भी लगा देने एक एक ब्लॉक, जैसे कि ये बिल्कुल लगा, फिर यहाँ पे एक लीव लगा देना ताकि यहाँ से टपक ना जाओ तुम लोग, ठीक है। तो फिर इसके बाद तुम लोगों को अब यहाँ पे तो कोई भी मेन ब्लॉक ले लेना, फिर यहाँ पे खड़े होकर तुम लोगों को इसे 43 ब्लॉक्स तक ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो मेरा अभी 59 है, तो इसे 43 तक मतलब मुझे 59 प्लस कर लेना है यार, पर मैं रिकॉर्डिंग में बाद मतलब वॉइस ओवर बाद में कर रहा हूँ ना, तो मैंने उस समय कर लिया। तुम लोगों को जहाँ पे भी हो उससे 43 ब्लॉक्स ऊपर तक लेके जाना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्रेम बना दिया 2x2, ठीक है, थोड़ा सा तुम लोग बना देना ताकि यहाँ पे तुम लोग उन एंडरमैन को मारोगे ना यार, भूल जाता हूँ क्या बोलते हैं, ठीक है, एंडरमैन को मारने के लिए। फिर उसके बाद तुम लोगों को अब यहाँ से 43 ब्लॉक्स तक ऊपर लेके जाना है। मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो मैंने 43 ब्लॉक की हाइट से अगर मैं एंडरमैन गिराऊंगा तो मरेगा नहीं, पर एकदम इतने हार्ड पे होगा कि मैं इसे अपने फिस्ट से मार सकता हूँ, देखो। इसीलिए मैंने तुम लोगों को कहा कि इसे 43 ब्लॉक्स तक ऊंचा बनाओ कि ताकि तुम लोगों की वेपन्स की ड्यूरेबिलिटी भी मत कम हो और तुम लोग फिस्ट से मार सकते हो इसे इन्हें आराम से, ठीक है। देखो मैं सारे ही ब्लॉक्स को ऊपर तक लेके आ चुका हूँ, फिर अब तुम लोगों को अब पता है कहाँ पे, जैसे यहाँ पे बीच वाली ब्लॉक है इसे, अरे यार पहले पोशन पी लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से तुम लोगों को इसे 7 ब्लॉक्स तक खींच के लेके जाना है, 7 ब्लॉक्स, ठीक है। तो मैं 7 ब्लॉक्स तक ले आया, फिर उसके बाद चारों तरफ यही कर देना, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं टाइम वरना वीडियो लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो चारों तरफ ये ले आया, फिर तुम लोगों को इसे एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है, कनेक्ट, ठीक है, चारों तरफ ही ऐसे कर लेना, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद तुम लोग इसे फिल भी कर देना, ठीक है। तो देखो मैंने सब पूरी तरफ से फिल कर दिया है, बस तुम लोगों का फॉर्म बनने ही वाला है, ठीक। फिर तुम लोगों को अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बताता हूँ मैं, देखो स्टेयर टाइप का बना देना। अरे सबसे पहले यार भूल गया, बाद में रिकॉर्डिंग करी ना मैंने वॉइस ओवर, तो ठीक है। तो ट्रैप डोर लगाने थे, सबसे पहले तुम लोगों को यहाँ पे चारों तरफ ट्रैप डोर लगा दो, तो जैसे मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही लगाइएगा, ठीक है। तो चारों तरफ ट्रैप डोर लगाने के बाद अभी तुम लोगों को बस एक मेन काम करना है, बस तुम लोगों को फार्म रेडी हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम लोगों को अब यहाँ पे आके यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना, ठीक है। थोड़ा स्टेयर टाइप का बना देना, मैं तो क्रिएटिव में हूँ तो मैं उड़ के जा सकता हूँ, ऐसे तुम लोग मतलब अब सर्वाइवल में तुम लोग ऐसे ही आओगे ना, ठीक है। तुम लोगों को एक ब्लॉक बीच में प्लेस करना है एकदम,
ठीक है, सर्कल के ये 3x3 का है तो इसके बीच में जो ब्लॉक प्लेस होगा उसके, ठीक है, फिर उसके बगल में एक ब्लॉक प्लेस करना। अब तुम लोग को क्या चाहिए होगा, एक देखो एक नेम टैग चाहिए होगा, उसमें तुम लोग कुछ भी नेम रख देना ताकि जो हम लोग अभी कुछ वो एक एंडरमाइट को स्पॉन करेंगे वो मैं सर्वाइवल में ही कराऊंगा, ठीक है। तो लोग उसके लिए तुम लोग कोई भी नाम रख देना, मैं सब रख दिया, तो तुम लोग सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो लाइक कर देना। फिर तुम लोगों को इसे जो है ये जो मैंने टू ये जो थोड़ा टू का सर्कल बनाया है इसे तुम लोगों को इसे चारों तरफ से कवर कर देना 2x2 थोड़ा हाइट से, ठीक है, ताकि जो तुम एंडरमाइट स्पॉन होगी वो बाहर ना जाए, ठीक है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा एंडरमाइट कैसे स्पॉन करेंगे ठीक है, सर्वाइवल में ही हो जाएगी, ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है। 2x2 की वॉल से कवर कर दिया है, बस तुम लोगों का वाला ब्लॉक देखना है जो इसके बीच में हो एकदम, ठीक है। तो ये वाला जो ब्लॉक है वो इसके बीच में, ठीक है, तो जो ब्लॉक उसके मिड पे उसको छोड़ के तुम लोगों को इधर साइड रेल प्लेस करते नहीं। आप देखो रेल उस साइड फेस कर रही है तो तुम्हें इसको फेस सीधा करना है, तो एक साइड ये वाला लगाओ फिर इसे तोड़ दो, तो अब ये इसका जो रेल है जो उस साइड फेस कर रही है, ठीक है। फिर तुम लोगों को ले लेने थोड़े एंडर पर्ल्स और एक माइन कार्ट ले लेनी, ठीक है, जब तुम लोग ये काम करो। तो तुम लोगों को जो एंडर पर्ल्स है वो नीचे या दीवार पे मारने से तुम लोगों को थोड़ा डैमेज मिलेगा, पर तुम लोगों को फूड लेके आना साथ में, ठीक है, ताकि, ठीक है, तुम लोगों को 1 से 2 स्टैक एंडर पर्ल चाहिए लगेंगे, क्योंकि यार इसमें थोड़ा काम टाइम लगेगा, ठीक है। तुम लोगों को यहीं पे दीवार पे ऐसे एंडर पर्ल मारते रहना है, फिर देखना एंडर माइट स्पॉन हो जाएगी। फिर तुम लोगों को पता है क्या करना है, इसे पहले नेम करना, ठीक है, पहले नेम कर देना, फिर उसके बाद तुम लोग इसे बिठाना, ठीक है। मैं भूल गया था रिकॉर्डिंग करते समय, ठीक है, तो मैंने इसे बाद में कर दिया था, ठीक है। पहले सबसे पहले इस लोगों को इसको तुम लोग नेम टैग दे देना, फिर इसे तुम लोग माइंड कार्ट पर बैठा के ऊपर आ जाना, ठीक है। अब देखो मैं इसे नेम टैग नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये माइंड कार्ट पर बैठी है, ठीक है। तो तुम लोग इसे माइंड कार्ट पर बैठाने से पहले ही तुम लोगों को इसे नेम टैग दे देना, ठीक है। अब मैं इसे नेम टैग दे के आता हूँ, तो मैंने इसे नेम दे दिया, बस तुम लोगों को अब इसे उस ब्लॉक पे खसका देना रेल से, ठीक है, उस ब्लॉक पे खसका देना जहाँ पे रेल नहीं लगी थी, ठीक है, मेन ब्लॉक पे। और तुम लोगों को अब सारे ब्लॉक रिमूव कर देने हैं, सारे ब्लॉक रिमूव करने के बाद मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो देखो ये ऐसा लगे कि सारे ब्लॉक रिमूव करने के बाद अब तुम लोगों को पूरा एंडर एक्सपी फार्म बन गया है। बस तुम लोगों को अब यहाँ से नीचे जाकर थोड़ा सा वेट करना है, देखना मैं अभी आ जाएंगे, देख एक सेकेंड। तो देखो यहाँ पे एक एंडर माइन आया है, देखो आते जा रहे हैं, बस तुम लोगों को जब पहली बार में एक दो मिनट लगेगी, फिर उसके बाद ही आते जाएंगे अपने आप, ठीक है। देख लो एक मारता हूँ मैं, एक आ जाता है, ठीक है, तो फिर से देखना अभी आने वाले हैं। तो मैं सर्वाइवल में आ जाता हूँ जब तक ये लोग आ रहे, ताकि एक्सपी भी दिखे, ठीक है। देखो ये लोग मैंने ठीक है आते जा रहे हैं, ये लोग पागल हैं, तो एक के बाद एक आते जाएंगे। बस तुम लोगों का एंडरमैन एक्सपी फार्म है, तो ठीक है थोड़ी देर में इसको एक्सपी कलेक्ट करके मिलता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 3 से 4 मिनट तक एक्सपी कलेक्ट की और मेरी 25 आराम से हो गई, ठीक है। तो बस अब तुम लोगों को वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, जाओ अपने वर्ड में बनाओ, ठीक है, ओके बाय। और तुम लोग देखो जहाँ पे कोई भी जैसे कोई ब्लॉक अगर तुम लोगों ने धोखे से प्लेस कर दिया तो उसके ऊपर लीव लगा देना या स्लैब प्लेस कर देना, ठीक है। कोई भी मेन ब्लॉक ऐसे खुला नहीं होना चाहिए, वहाँ पर ना एंडरमैन टेलीपोर्ट हो जाएंगे।